नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और इसके लिए एक व्यापक रूपरेखा पेश करते हुए कई घोषणाएं की। आत्मनिर्भर भारत को विश्व कल्याण के लिए भी जरूरी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी भी इस संकल्प से देश को नहीं डिगा सकती। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से अपने 7वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में मोदी ने कहा कि भारत की संप्रभुता का सम्मान सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का नारा दिया और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की घोषणा की। पारंपरिक कुर्ता पायजामा और माथे पर साफा पहने प्रधानमंत्री मोदी ने 86 मिनट के अपने भाषण में कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात करना ही नहीं, अपनी क्षमता, अपनी रचनात्मकता, अपने कौशल को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर ये सब विदेशों से मंगवाए जाते थे, लेकिन आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें खुद पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों के लिए भी मदद के लिए आगे आया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत में FDI ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 18% की बढ़ोतरी हुई है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र को आगे लेकर जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच भारतीयों ने आत्मनिर्भर होने का संकल्प लिया और ये केवल शब्द नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए मंत्र है। उन्होंने कहा कि आखिर भारत कब तक कच्चे माल का निर्यात करेगा और तैयार उत्पादों का आयात करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में जो हिस्सेदारी है वो बढ़नी चाहिए और इसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मन पूरी तरह से वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। देश के सर्वांगीण अवसंरचना विकास के लिए राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना में 1,000,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाने का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि इसके लिए लगभग 7,000 परियोजनाओं को चिन्हित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत को आधुनिकता की तरफ तेज गति से ले जाने के लिए देश के विकास को एक नई दिशा देने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।